हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम नंबर 6.7 स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास। तो सबसे पहले देखो, कह रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, जैसे ए बी सी, और हम यहाँ पर बी पर राइट एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब कह रहा है कि टू द हाइपोटेनस, एक जहां पर राइट एंगल है यहां से आप एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करो हाइपोटेनस पे। तो मान लो मैंने यहां पर एम ले लिया। ओके, तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री, और बी से हाइपोटेनस पर हमने बी एम परपेंडिकुलर लेंथ एसी डाल दिया अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, अब हमसे क्या कह रहा है कि टू द हाइपोटेनस द ट्रायंगल ऑन द बॉथ साइड ऑफ ए परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। अब हमसे यहां पर बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीएम, ट्रायंगल सीएमबी या सीबीएम और ट्रायंगल एबीसी, ये सभी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यही हमें साबित करना है। तो प्रूफ दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान दो, एएमबी सिमिलर ट्रायंगल। हम लोग यहां से एएमबी लिए हैं तो यहां से सीएमबी ले लेते हैं। ओके, ये तीनों हमें आपस में सिमिलर साबित करना है। देखो बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे क्या, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल एएमबी ले लेंगे। देखो यहां पे मूवमेंट पे ध्यान देना, एएमबी ले रहे हैं इसलिए क्योंकि एम पे 90 डिग्री है, तो वापस सेकेंड स्टेप में एबीसी लेंगे क्योंकि बी पे 90 डिग्री है। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो देखो बच्चों क्या होगा, एंगल ए एम बी बराबर ट्रायंगल ए बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, एंड एंगल ए बराबर एंगल ए, इसे हम क्या लिखेंगे, कॉमन। तो आप लिखोगे बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, इसे इक्वेशन आप क्या मान लो फर्स्ट, क्योंकि किसी दो ट्रायंगल में बच्चों जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ए ए ए सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी कहने का मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नाउ इन ट्रायंगल, फिर से देखो यहां पे ले रहे हैं सी एम बी क्योंकि एम पे 90 डिग्री है, तो सी एम बी एंड ट्रायंगल, फिर यहां पे सी बी ए ले लो। ओके, सी बी ए, फिर से देखो बच्चों, सी एम बी एंगल जो है सी एम बी बराबर एंगल सी बी ए है, और ये कितना है 90 डिग्री। इसके बाद देखो यहां पर हम लोग लेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, इसे हम क्या लिखेंगे, कॉमन। फिर से देखेंगे हम ए ए सिमिलरिटी लगाएंगे, देयरफॉर बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ए। अब देखो बच्चों, ये सी बी ए और ए बी सी दोनों सेम ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, और बगल में लिख देंगे चूंकि ट्रायंगल ए बी सी बराबर ट्रायंगल सी बी ए। अब इसको आप क्या मान लो, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बच्चों, ये दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बच्चों, फर्स्ट में ए एम बी ए बी सी के सिमिलर है और सेकेंड में सी एम बी ए बी सी के सिमिलर है, इसका मतलब ये सभी आपस में क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल सी एम बी। ओके, तो देखो यही हमें साबित भी करना था, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर ट्रायंगल सी एम बी। ओके, तो एनसीईआरटी में आप देखोगे इसका सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, अगर बाय द वे हमसे पूछा जाए तो इसी तरीके से हम प्रूफ करके छोड़ देंगे। ठीक है, देखो इसका इस प्रूफिंग का फिर से हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहां पर, जब हम थ्योरम 6.8 बनाएंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थ्योरम 6.7। ओके, थैंक यू।